इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो एमएससी क्लास है उस क्लास के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्शन है ना, जिसे वाला डायरेक्शन टॉपिक जो है कि हम क्लास उसी क्लास पे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसी के क्लास लेंगे आज हम। उसके कुछ विशेष क्वेश्चन होते हैं, उसी को आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व करूँगा आपको। मतलब कि कुल जैसे कि मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसमें सबसे पहले वाले में जो दूरी होता है उस दूरी के हिसाब से क्वेश्चन दे रहता है, उसके बाद होता है कोण वाला। कोण वाला कहने का मतलब 180 अंश मतलब 90 अंश क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस प्रकार से। उसके बाद उस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करते समय उसमें एक विशेष प्रकार के छिपे होंगे कुछ प्रमेय, तो उन सभी को आज के वीडियो में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। उससे पहले मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और मेरा ये जो वीडियो चैनल है फ्रॉम जेपी यादव, इसमें मैं एनएमएससी कंपटीशन एग्जाम और एनटीएससी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराता हूँ और नेशनल मिस कम मेरिट परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नेशनल मिस कम मेरिट परीक्षा से जुड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। और वीडियो को लाइक कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनके लिए ये वीडियो हेल्प हो सके, अगर वो एनएमएससी या एनटीएससी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। कुछ विशेष से क्लास है, ठीक है, डायरेक्शन टॉपिक है, उनके जो एक विशेष उनके क्वेश्चन के अंदर प्रमेय रहेंगे उनको आज के शेड्यूल को सॉल्व करके डिटेल्स उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के शेड्यूल में। प्रीवियस शेड्यूल में जैसे कि हमने बताया वो वीडियो बड़ा लंबा है, 45 मिनट का है वो वीडियो, बट आपको ध्यान से देखोगे तो वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा और आपको जो है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और ये जब यहाँ हमारा जो अपने ये अभी हम जो टॉपिक कराएंगे डायरेक्शन टॉपिक के अंतर्गत जो क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, उसके बाद हम जो तीनों प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं सभी का क्वेश्चंस के वीडियो एक लाइन है, जिसमें हम तीनों प्रकार के क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसकी जानकारी आपको दे देता हूँ, क्योंकि जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम कुछ क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब कि उसका प्रयोग होगा, इसलिए दोस्तों मैं पाइथागोरस प्रमेय को सबसे पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय जो त्रिभुज होते हैं है ना, वो जो त्रिभुज हैं कौन सा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का एक विशेष प्रमेय है, उसी प्रमेय को हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। ये जो समकोण त्रिभुज होता है ना, ये समकोण त्रिभुज है और इसी समकोण त्रिभुज का प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। और इसका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कर्ण का, देखिए एक चीज याद रखिए, ये है आधार, ठीक है। आधार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो मतलब कि जो यहाँ पे कोण है ना, यहाँ पे समकोण बल है, इसलिए हम इसको समकोण त्रिभुज बोल रहे हैं। तो ये जो कोण है वो इसके बेस पे खड़ा है, तो ये होता है आधार, ठीक है। आधार पे जो खड़ा है ना, उसको बोला जाता है लंब, ठीक है। ये है लंब और ये है कर्ण, ठीक है, ये है कर्ण, ठीक है। अब इसका जो सूत्र है वो होता है कर्ण का स्क्वायर मतलब कि इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है ना। पाइथागोरस प्रमेय में देखिए यहाँ पे मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो समकोण त्रिभुज है उसका प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, आप जो सभी अर्थ में पढ़े ही होंगे है ना, तो उसी चीज का है। इसमें कुछ अपना जो इसका प्रमेय का सूत्र है वह कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू
तथा का स्क्वायर प्लस नम का स्क्वायर। अब इसमें दोस्तों मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा ताकि ये जो सूत्र है वो अच्छे से आपको डिफाइंड हो सके, ठीक है। तो ये जो मतलब जो ये सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय का, तो ये होता है समकोण त्रिभुज के लिए फॉलो करता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में देखिए ये होता है आधार, आधार में तो जिस पर जिसके बेस जिसके आधार पे खड़ा है वो जो कोण उसको बोला जाता है आधार बेस, ठीक है। और जहाँ से आधार के कोण है कोण खड़ा है उसको बोला जाता है लंब, और ये होता है कर्ण, ठीक है। तो ये चीज ठीक है, और इसका जो सूत्र है वो क्या है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये चीज को आपको अपने माइंड में बिठा लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है इसका मेन जो प्रमा है, प्रमेय में डायरेक्टली सूत्र के अकॉर्डिंग आपको सीधा सीधा पता आ गया, ठीक है। आपको ज्यादा दुनियादारी नहीं पढ़ना है, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको इसी चीज की जरूरत पड़ेगी, तो इसी चीज को मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यही चीज को आपको नोट कर लेना, और जो देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन मतलब की कुछ मान यहाँ पे रखूंगा, और जो सूत्र है उसको सत्यापन मतलब उसका सत्यापन का डिफेंड करूंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये होता है इसका जो प्रमेय का जो सूत्र होते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। क्या क्या है आधार लंब कर्ण, इसको मैंने भी आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों हम जो कुछ मान है इसके उस मान को रखता हूँ, ठीक है। मान रखने के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमको जो है कि कर्ण का मान पूछा है, मतलब कि इसका कर्ण का मान कितना है, यहाँ पे जो कर्ण रहेगा उसका मान हमको डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सिंपल है, आधार कितने हैं 3 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर प्लस लंब कितना है 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर का कितना होता है 3 स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 किया 9 और 4 से 16, ठीक है। तो इसका हुआ 9 और इसका हुआ 16, देखिए यहाँ पे 9 और यहाँ पे 16, ठीक है 16, ठीक है। ये सेंटीमीटर में इस चीज को आप याद रखना, सेंटीमीटर बताइए, ठीक है। उसके बाद 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखना है, ये जो अभी 25 है और साइड में अभी इसका मतलब स्क्वायर के मान में हमको लगाना है, तो एक चीज आपको पता होगा कि 25 किसका स्क्वायर है 5 का, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर, तो कर्ण का मान आ जाएगा 5 का स्क्वायर, सिंपल है। तो यहाँ पे कर्ण का मान आया 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहते हैं, और ये जो मेन चीज है आप इसको याद कर लेना। अब चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, उस क्वेश्चन में किस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय छिपा है इस चीज को याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा देखना है, एक कोई लड़की है वो ये वालों को लेते हैं पूर्व दिशा, तो पूर्व से पश्चिम वो 3 सेंटीमीटर गई, ठीक है। पश्चिम से उत्तर की ओर 4 सेंटीमीटर गई, है ना। अब जो प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है, वहां से मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी और दिशा बताइए, उसी से रखने से होता है क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं, इस चीज को आप याद रख लेना, है ना। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। और क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व करना, जैसे जैसे बोला गया है हमको वहां पे मान रखना है और सॉल्व करना है। एक चीज और यहाँ पे एक चीज और हो सकता है, जैसा कि देखो यहाँ पे भी हमने कर्ण का मान, जिसकी मैं देखो आपको बता यहाँ पे कर्ण का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो है 3 सेंटीमीटर हमको बोला है लंब का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब किस तरीके से आपको डिपेंड करना है, तो एक चीज याद रखो कर्ण कितना दिया है 5 का स्क्वायर और आधार कितना दिया है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। और जो 3 का स्क्वायर है वो कितना होता है 9, यहाँ पे प्लस लंब का स्क्वायर रहेगा, ठीक है लंब का स्क्वायर। अब आपको पक्षांतर कर देना है, कैसे पक्षांतर करना है देखिए, ये जो यहाँ पे प्लस में है
ये वाला जो संख्या है ना, देखिए लंब है ये वाला, तो लंब को लंब रहने देते हैं। और देखिए ये दोनों प्लस में है, और जब पक्षांतर करेंगे, जब दोनों को मतलब इसको यहाँ से पक्षांतर किया जाएगा, तो पक्षांतर करेंगे तो सिंपल से है, पक्षांतर करने पर इसका मान चेंज हो गया, लंब का स्क्वायर स्क्वायर बराबर ये जो 25 है, इसको हमको उस टाइम ले जाना है पक्षांतर करके, और इसको जब घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो इस तरीके से आपको आंसर डिवाइड करना रहता है। जैसे भी दिया हो आपको सिंपल से समीकरण टाइप का होगा, जिसके आपको लंब का स्क्वायर दे दिया है, सॉरी लंब का स्क्वायर नहीं दिया है तो हमने पक्षांतर किया और उसका आंसर डिफाइन किया। उसी तरीके से आधार में दिया रहेगा तो उसको भी पक्षांतर करके डिफाइन कर लेना है। और ये जो मेन चीज है कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये चीज आपको अपने माइंड में बिठा लेना है। और यही जो है कि पाइथागोरस प्रमेय को आपको अपने माइंड में रखना है, सिंपल से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और ये चीज अपने माइंड में रखना, तब क्वेश्चन आपका आसान से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो अब हमारा जो डायरेक्शन टॉपिक है यही जो उसमें पाइथागोरस प्रमेय जो छिपा है उस वाले के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन पेपर को मैं पढ़ता हूँ। चलो ठीक है आप शुरू करते हैं, मैं सीधे सीधे ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन लिखूंगा और उसको सॉल्व कराएंगे, सॉल्व करेंगे तब आपको सीधे सीधे ज़्यादा बेटरली समझ में आएगा। और दोस्तों 2011-12 से लेकर 2020-21 तक जो NMMS का क्वेश्चन पेपर का एक मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको पूरा PDF का लिंक दे दूंगा और आप उस PDF को प्रिंट आउट कर लीजिएगा, लिखवा लीजिएगा और पूरा 10 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो आपका तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो जाएगा और आप एग्जाम में पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलो आज जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन का जो बेसिक जो जानकारी है, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है उसको आप जान जाओ। चलो तो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है। किसी बिंदु से सभी जो लड़का है पी बिंदु से वो दक्षिण डायरेक्शन की ओर चलना प्रारंभ करता है और वह 40 मीटर चलता है दक्षिण दिशा में, मतलब जब प्रारंभ किया दक्षिण दिशा में चलना तो 40 मीटर दक्षिण की ओर दक्षिण दिशा की ओर चला। उसके बाद वो दक्षिण दिशा में जैसे चल रहा था 40 मीटर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ गया और 30 मीटर फिर से चला और वो जो Q बिंदु है वहां पे जाके पहुंच गया। अब जो P से Q बिंदु की आपस में दूरी और दिशा को हमको बताना है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। एक चीज आपको पता होगा, डायरेक्शन के टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अपने माइंड में जो दिशा वाला जो पैटर्न है वो चीज आपके माइंड में स्टोर होना चाहिए, ठीक है, तब आप क्वेश्चन को बड़े आसानी तरीके से सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूँ, है ना। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ। किसी बिंदु से मतलब कोई बिंदु है पी, उस बिंदु से समीर नाम का जो लड़का है वो दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर चला, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा, फिर 30 मीटर चलकर क्यू बिंदु पे पहुंच गया और जो बिंदु पी है से क्यू वहां तक की दूरी और वो किस दिशा में है ये चीज को हमको बताना है। यहाँ पे हमारा ABC तीन ऑप्शन है, वो अभी एक ऑप्शन सही है उसको फिल करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है शुरू करते हैं। कोई से भी एक बिंदु लेते हैं और इस बिंदु का नाम देते हैं P, ठीक है। इसको थोड़ा ये जो बिंदु है इस बिंदु का नाम दिया हमने P, ठीक है। सिंपल से कोई भी एक बिंदु लेंगे बीच में सुविधाजनक स्थान पे और वहां पे हमको लिख देना है P। अब दक्षिण दिशा तो आपको पता ही होगा, एक चीज तो आपको पता ही होगा कि दक्षिण दिशा तो नीचे की ओर ही होती है, ये होता है पूर्व, ये होता है उत्तर और ये होता है पश्चिम, ठीक है। तो ये चीज तो आपको पता ही होगी। तो लड़का जो समीर नाम का लड़का है वो यहाँ पे पी बिंदु है, तो पी बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया,
ठीक है, तो चलता है वो धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, अब वो 40 मीटर चला फिर रुक गया, तो जो यहाँ से वो 40 मीटर चला। ठीक है, 40 मीटर चला। ठीक है, दक्षिणी से है ये वाला जो हमने कोई कोई सुविधाजनक बिंदु ली। ठीक है, क्योंकि हमको जो लड़का है समीर नाम का लड़का, वो पी बिंदु से चलना प्रारंभ किया ना, तो यहाँ से पी बिंदु से वो चलना प्रारंभ किया दक्षिण दिशा की ओर। और दक्षिण दिशा ये वाला बीच वाला है हमारा पी बिंदु, और यहाँ से वो दक्षिण दिशा की ओर चला, मतलब कि नीचे की ओर। ठीक है, अब चलना प्रारंभ किया। उसके बाद वो 40 मीटर मतलब चलने के बाद बाई ओर मुड़ जाता है। तो देखो ये वाला है दक्षिण दिशा, ठीक है, दक्षिण दिशा, और दक्षिण दिशा का बायां साइड है ये वाला पूर्व दिशा। ये वाला देखो वाजो जिस हाथ में पहनने वाला मेरा लेफ्ट साइड है, मतलब कि बायां ओर, तो दक्षिण दिशा है ये वाला। तो दक्षिण दिशा का लेफ्ट साइड यानी कि बायां ओर जो है कि किस डायरेक्शन पे होगा, पूर्व दिशा। और मैंने एक चीज आपको बताया भी था कि इसका उत्तर का दायां भाग कौन सा है, बायां भाग कौन सा है, पूर्व का। तो ये चीज आप अपने प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो आई बटन के नीचे। ठीक है, तो अभी फिलहाल दक्षिण दिशा का बाईं ओर इस डायरेक्शन में, मतलब कि पूर्व दिशा में आपको पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ते हैं उसको, बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, अब वो बाईं ओर मुड़कर कितना चला है, कितना बोल रहे हैं 30 मीटर चला। ठीक है, 30 मीटर चला, और वो क्यू बिंदु तक पहुंच गया। यहाँ पे ये जो क्यू बिंदु है वो यहाँ तक ये पहुंच गया। ठीक है, तो यही इस तरीके से आपको डायग्राम बनाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, जैसे जैसे हमने क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे हमने ये जो डायग्राम में फॉलो किया, और उसी बेस पे हमारा क्वेश्चन अब बनेगा। बड़े ध्यान से देखो, ये ट्रिक बड़ा इजी है और कम समय में सॉल्व हो जाएगा। किसी बिंदु है ये वाला पी ना, और यहाँ से संजय नाम का लड़का जो दक्षिण दिशा है नीचे वाला, तो यहाँ से वो दक्षिण दिशा की ओर गया। कितने मीटर? 40 मीटर। ठीक है, उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, दक्षिण दिशा का बायां ओर वॉच पहना है वो साथ में, तो ये वाला कौन सा दिशा होगा? पूर्व दिशा। ठीक है, तो पूर्व दिशा की ओर ये जो अब वो 40 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, तो उसके बाद बाईं ओर मुड़ा तो वो इस डायरेक्शन की चलेगा, तो इस डायरेक्शन पे वो चलते गया। और 30 मीटर जाकर के 30 मीटर में जो कि बिंदु है वो वहां पे जाके रुक गया। अब हमको क्वेश्चन ये पूछा है कि जो बिंदु पी है और क्यू है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को हमको बताना है और दिशा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय आपको बताया था, और वो किसके लिए अप्लाई होता है? समकोण त्रिभुज के लिए। और यहां पे समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसको आप देखो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं, है ना। ये चीज कौन सा बन गया डायग्राम? समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना, क्योंकि हमको यहाँ से पी से क्यू की तक की हमको दूरी पूछा है। ठीक है, यहां से यहां तक की हमको दूरी पूछा है, तो हमको दूरी बताना है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है ये तो पाइथागोरस प्रमेय से ही सॉल्व होगा ना। ठीक है, तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है। ठीक है, तो आधार कौन सा होता है? ये वाला। लंब कौन सा होता है? ये वाला। कर्ण कौन सा होता है? ये वाला। तो अभी हमको कर्ण का मान डिफाइन करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे लंब का मान कितना है? 1 का 40। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 160, और इसका हो जाएगा 90। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250। ठीक है, 250 हो गया। अब देखिए दोस्तों 250 है कि 50 का स्क्वायर कैसे? देखो मैं आपको आपको बता रहा हूँ,
ये 50 गुणित 50 किसी संख्या का स्क्वायर इसी तो होता है, उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना उसका वर्ग कहलाता है। तो 5×5=25 ठीक है, और यहाँ पर डबल शून्य लगेगा ठीक है, और यहाँ पे 2×2=2 ठीक है दोस्तों। तो चलो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है तो 2500 मतलब कि मतलब 2500 है ना, यहाँ की कोई भी संख्या से कोई भी संख्या का गुणा करना यही होता है, उसको वर्ग किया जाता है। तो कितना है 2500, और यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो कितना है 2500, यानी कि 2500 किसके स्क्वायर है 50। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2500 जैसे कि आया मतलब कि 2500 आया तो 2500 किसका वर्ग है 50 का। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कर्ण का मान कितना है 50 मीटर। ठीक है, कर्ण का मान कितना है 50 मीटर। देखिए दोस्तों, जैसा जैसा कि हमने क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे डायग्राम पे फॉलो किया और हमारा आंसर यहीं से डिफाइंड हुआ है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय को सबसे पहले बताया। अब देखिए 50 मीटर है ना। अब उसके बाद एक चीज गौर करना, यहाँ पे ऑप्शन पे 50 कांस्टेंट वाले ऑप्शन पे दिया गया है, तो सिंपल से वाले ऑप्शन पे दिए गए हैं, तो ये वाले को टिक करो और आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे जो है कि दिशा पूछा है। ठीक है, तो दिशा आपको सिंपल से देखिए 50 मीटर है तो दिशा भी यही है ना। कोई लड़का है, वो लड़का दक्षिण की हो गया, उसके बाद पूर्व हो गया, तो सिंपल से वो अभी दक्षिण पूर्व पे चल रहा है, तो यही वाला हमारा ऑप्शन जो है कि आएगा। ठीक है, आपको देखिए अगर क्वेश्चन का आपको 2 से 3 वर्ड मिल जाए और इनसे मतलब देखिए 3 ऑप्शन है, तो ये तीनों ऑप्शन में जब हम आंसर डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें से अगर हमको अंतर देखने को मिल जाए 2-3 चीज़ों में, तो हमको पूरे पूरे को सॉल्व करते हुए नहीं बैठना है। अगर वही अगर 2 से 3 अंतर हमको मिल जाए और हमको मतलब पता चल जाए कि यही इसका आंसर आएगा, तो हमको आंसर आएगा, तो वही चीज़ को आपको फिलअप करना है और आगे बढ़ना, टाइम वेस्ट नहीं करना रहता दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया मैंने, एक बार और आपको समझा देता हूँ। कोई जो लड़का है समीर नाम का, वो यहाँ पे पी जो बिंदु है वो इस बिंदु से चलना प्रारंभ किया। ठीक है, या तो दोस्तों आपको इस एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे इसको एक बार और बताता हूँ। ठीक है, ये जो अपना पाइथागोरस प्रमेय वाला इसको और समझाता हूँ, उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको और बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक सुविधाजनक बिंदु लिपी हमने और यहाँ से वो जो लड़का है दक्षिण दिशा पे चलना प्रारंभ किया। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों दक्षिण दिशा पे चला, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, तो जैसे जैसे बोला हमने वैसे वैसे डिफाइन किया, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का हमको दूरी पूछे तो दूरी हमने बता दी। अब देखिए इसको किस तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा 4 दिशा होता है, ये वाला दक्षिण है, ये वाला पूर्व, ये वाला उत्तर और ये वाला पश्चिम, और जो पी बिंदु है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो वो जो लड़का है वो लड़का पी बिंदु से चलना प्रारंभ किया, 40 मीटर चला। ठीक है, 40 मीटर चला। ठीक है, अब दक्षिण का बायां ओर कौन सा है, देखिए दक्षिण दिशा वाला कौन सा है, ये तो दक्षिण दिशा, ये देखिए दक्षिण दिशा में ये सही है, दक्षिण दिशा का बायां वाला होगा पूर्व, तो पूर्व दिशा की ओर चला। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो बोला है कि 40 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो यहाँ पे 40 मीटर चला गया दक्षिण दिशा की ओर, उसके बाद वो 30 मीटर इस डायरेक्शन पे चला। ठीक है, तो ये 30 मीटर। ठीक है, और ये है कि वो बिंदु। ठीक है, अब हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है, तो हमको सिंपल से यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ पे यहाँ, ये सब मिलने पे एक संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे क्योंकि इसका मान 90 है, तो यहाँ पे संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, और संपूर्ण त्रिभुज के लिए जो पाइथागोरस प्रमेय है वो फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला को क्या बोलते हैं धार, और ये होता है लंब, और यहाँ पे कर्ण, तो हमको कर्ण का मान डिफाइन करना है। तो सिंपल से जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वैसी तरीके से आपको डिफाइन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या तो आप बिना आपको दिशा का पता है तो आप सीधा से सीधा कोई भी एक बिंदु लीजिए और सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और आपको दिशा का पता नहीं है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जाता है
वैसे वैसे आपको फॉलो करना है और आपका आंसर वहीं से डिफाइन हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे बोला आपको एक लड़का है ना, वो लड़का बीच बिंदु से चलना प्रारंभ किया, 40 मीटर चला, उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, तो वो चल देखिए यहाँ से दक्षिण दक्षिण वाला पास से नीचे वाला, तो यहाँ पे वो 40 मीटर चला, ठीक है, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा तो इसमें वो 30 मीटर चला, है ना। उसके बाद ये चीज हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि पी से क्यू तक की दूरी, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करने के लिए हम इसको मिला दें और अब हमको उसका दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए जब 40 मीटर ये वाला चला, 30 मीटर ये वाला चला, अब ये दोनों को मिलने से एक समकोण बना रहा है कि नहीं बन रहा है, और यहाँ पे हमको पी और क्यू का मान दूरी भी ज्ञात करना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी मिलेगा और ये हो गया पूरा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के लिए जो सूत्र है वो है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज होता है जो समकोण त्रिभुज को आप देखिए उसके सॉल्व करने के जो ट्रिक है, मतलब जो तरीका है, वो चीज मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो 30 का हमको लेना है स्क्वायर, 40 के लेना है स्क्वायर, तो 30 का हो जाएगा 90 और 40 का हो जाएगा 110, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 2500 और 2500 जो कि 50 का स्क्वायर है, तो आ जाएगा 50 मीटर कर्ण का मान, ठीक है। अब हमको दिशा, ठीक है, तो देखिए वो लड़का दक्षिण दक्षिण से सीधा भी पूर्व, तो देखिए इस वाले डायरेक्शन पे है कि नहीं, यहाँ पे बीच पे, तो यहाँ पे बीच पे दक्षिण पूर्व के बीच में कौन होता है, दक्षिण पूर्व, तो वो अभी दक्षिण पूर्व में है, मतलब कि दक्षिण पूर्व की डायरेक्शन पे जो भी कह रहा है वो दक्षिण पूर्व पे है, और पी से क्यू तक की दूरी है 50 मीटर। तो इस तरीके से दोस्तों जो ये दिशा वाले क्वेश्चन थे पाइथागोरस प्रमेय का जो छिपा हुआ जो प्रमेय है, जो ट्रिक है, उसको इस तरीके से क्वेश्चन को आपको कम से कम समय में सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा जैसा बोला गया है वैसे वैसे फॉलो करो, डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बनाने से आपका क्वेश्चन बड़ा ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, एक और एक से दो क्वेश्चन और कराता हूँ, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए और आप अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। तो चलो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमें उसको मैं जल्दी सॉल्व करना शुरू करता हूँ, ठीक है। चलो दोस्तों अब हम जो इसका प्रश्न दूसरा है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न दूसरा क्या है उसको देखिए और पढ़िए, पढ़िए मतलब ये मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये चीज़ हमको जानने के क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना होता है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। तो यह है मीना नाम की एक लड़की है, वो जो एक बिंदु है ए, वहाँ से वो उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है और 50 मीटर का दूरी तय करके वो बांके दाईं ओर मुड़ जाती है, और उसके बाद 120 मीटर तक का चलती है, और उस 120 मीटर का दूरी का फासला तय करके जो बिंदु बी है वो वहाँ तक पहुँच जाती है। उसके बाद पूछने हमको क्वेश्चन में कि जो प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी, तो ए से बी तक की हमको दूरी और दिशा बताना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करना जो है कि सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और एक लाइक जरूर करना, इससे क्या है मुझे सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमको क्वेश्चन को एक बराबर पढ़ लेना चाहिए, तो हम एक बराबर पढ़ लेते हैं। मीना बिंदु ए से उत्तर दिशा में 50 मीटर की दूरी तय की, उसके बाद वह अपनी 100 जो दाईं ओर है वहाँ पे वो मुड़कर 120 मीटर का फासला तय करके बिंदु बी तक पहुँच जाती है। उसके बाद हमको पूछ रहा है कि जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु की दूरी और दिशा हमको बताना, ये तीन आपके ऑप्शन है, इसमें से एक आपका सही आंसर है और इसको इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर है उसको फिल करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, और क्वेश्चन को हल करने से पहले एक चीज आपके माइंड में होना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज आपके माइंड में होना जरूरी है ना, या तो इस तरीके से सॉल्व करते हो कर सकते हो, या तो जो मैंने शुरू तरीका बताया है उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो,
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे मेरे पास मेरे दिमाग में ये चीज़ है, ये जो घड़ी का सॉरी ये जो दिशा का ये वाला जो चीज़ है ये मेरे माइंड में है, तो मैं इसको बिना जो कि डायरेक्शन की बताएं इससे कैसे चारों दिशाएं की बताएं मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। और इनडायरेक्ट मतलब कि इसको अभी और उसके बाद अभी इसको डायरेक्ट दिशा से कैसे सॉल्व करें वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए चार दिशाएं थी यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तब आपको समझने में आसान होगी। उत्तर दिशा ऊपर की ओर होता है ना, और ये जो होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, सबको पता है। उसके बाद बोल रहे हैं कोई सा भी एक बिंदु लेना है और उस बिंदु का नाम रखना है ए, और मीना नाम की जो लड़की है वो बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। तो उत्तर दिशा कहाँ पे है, ये जो हमने बिंदु बी लिया है उसको हमको इस बीच का बिंदु मानना है, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि उत्तर दिशा में 50 मीटर चलती है, तो उत्तर दिशा यानी कि इस वाले डायरेक्शन पे वो 50 मीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद उत्तर दिशा का दायां भाग घूम जाती है, मतलब कि अपने दायां ओर मुड़ जाती है। वो उत्तर दिशा में चल रही थी और उत्तर दिशा में चलते चलने के 50 मीटर चलने के बाद वो दायां ओर मुड़ जाती है, तो उत्तर दिशा का दायां ओर है ये वाला साइड पूर्व दिशा, तो वो पूर्व दिशा के सॉरी पूर्व दिशा में 120 मीटर का फासला तय करती है। तो यहाँ से वो दाई और मुड़कर 120 मीटर का फासला तय करती है और बिंदु यहाँ पे जो बी है वो वहाँ पे पहुँच जाती है, और हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करें तो इसको सिंपल से मिला लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज बन रहा है, संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। अब ये जो कि पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व होगा, ठीक है, ये है 50 मीटर और ये है 120 मीटर, यानी कि हमको लंब पता है, आधार पता है और हमको कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है वो चीज आपको पता होगा, कर्ण का स्क्वायर स्क्वायर टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। तो देखिए कर्ण का मान हमको ज्ञात करने के लिए जो आधार है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और जो लंब है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, उन दोनों को ऐड करने पर जो आएगा, है ना, और वो जो आएगा वो किस संख्या का वर्ग है, तो जिस संख्या का वर्ग होगा वो कर्ण का मान होगा, ठीक है। तो देखिए पचास का वर्ग होगा 2500, ठीक है, 50 का वर्ग होगा 2500, और जो ये 12 है सॉरी 120 है उसका वर्ग होगा 1440, ठीक है। अब जब हम इसको ऐड करेंगे, एक मिनट, इसका वर्ग देखिए 50 का वर्ग कितना हुआ देखो, 50 × 50 25 और 2 0 25 था, और जो कि 12 का वर्ग सॉरी 120 का वर्ग 1000 मतलब कि 144 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, और उसमें मतलब कि 2 0 हमको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 0 उसके बाद 4 4, अब हमको ऐड जो बन रहता है 5 4 9 और 4 2 6 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो यहाँ पे संख्या आ रही है इसको और अच्छे से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 50 है और ये है 120, ठीक है, 50 का वर्ग है 2500, 12 का वर्ग है ये, ठीक है। अब इनको ऐड करना है कितना आएगा 169 and 00, ठीक है। अब ये किसका वर्ग है, तो देखिए ये जो कि 13 का वर्ग है 100 यानी कि 130 का, देखिए 13 का आप गुणा कर लीजिएगा तो यहाँ पे इतना ही आपका मान आएगा, ठीक है। तो इसका मान जो है कि कितना आया 130 मीटर, ठीक है, इसका मान कितना है यहाँ पे 130 मीटर। कैसे यार, देखो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपको पता होगा,
पाइथागोरस प्रमेय के जो सूत्र है वो होता है जो आधार का स्क्वायर प्लस ऋण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 50 का स्क्वायर होगा 2500 और 120 का स्क्वायर होगा हो गया अपना जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना 14400, तो उसका वर्ग होगा और जब उसको ऐड करेंगे तो 169900 आएगा। ठीक है, मैंने आपके आपको ऐड करके भी दिखाया तो इतना आया और ये जो है कि 130 का वर्ग होता है, 130 का वर्ग होता है, ये भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 00 आएगा और 13 का वर्ग 169 होता है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और बता रहा हूँ जिसकी मैंने आपको पहले बताया कि जो अपना जो दिशा है, दिशा के थ्रू आप जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यानी कि चारों दिशाएं इस प्रकार से रहेंगी और हम सीधा सीधा उसी में सॉल्व करेंगे तब हमको बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए अभी हमारा कितना है 130 मीटर, तो 130 मीटर हमारे दो ऑप्शन में, एक है और हमको दिशा भी पूछ रहा है, तो 130 मीटर उत्तर पूर्व, 130 मीटर उत्तर पश्चिम। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है उत्तर और पूर्व के बीच में, है ना, क्योंकि उत्तर दिशा का दाईं ओर कौन सा दिशा पड़ेगा, पूर्व दिशा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दो दिशाएं उत्तर और पूर्व की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब मैं दोस्तों ये जो अपना क्वेश्चन है इसको हम अपना दिशा दिशा वाले अगर सीधा सीधा तीर वाले जिसके यहाँ पे रहेगा, तो देखो जैसे अपना ये दिशा वाला है, ठीक है, तो हम यहाँ सिग्निफल से ऐसा दिशा बनाते हैं। ठीक है, ये है अपना उत्तर, ये है अपना दक्षिण, ये है पूर्व और ये पश्चिम, है ना, ये चीज तो आपको पता है। अब आपको क्या बोला है, जो मीना नाम की लड़की है इसको बिंदु लेना है ए और यहाँ से वो चलना प्रारंभ करती है उत्तर। तो दोस्तों सबसे पहले इस बीच वाले बिंदु को आपको लेना है ए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जो मीना नाम की लड़की है वो यहाँ ए बिंदु से उत्तर दिशा में 50 मीटर चलती है, तो यहाँ से वो 50 मीटर चलती है। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद बोल रही है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया कि वो अपने दाएं ओर मुड़ जाता है, तो ये है उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा का दायां ओर है ये वाला सिर यानी कि पूर्व दिशा की ओर, तो इस दिशा में वो कितने मीटर चली, 120 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वो 120 मीटर का फासला तय है ना, और यहाँ पे वो बिंदु बी पे पहुंच गए। ठीक है, और हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी डिफाइन करना है और दिशा। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखिए सबसे पहले तो आपको हमको दिशा को देख लेते हैं, तो उत्तर और पूर्व उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सा दिशा होता है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व के बीच में कौन सा दिशा होता है, दक्षिण पूर्व। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, तो ये अभी कौन सा दिशा में, उत्तर पूर्व, सबसे पहली बात तो ये, तो हमारा दिशा डिफाइन हो गया उत्तर पूर्व में है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये कितना मीटर है, ये है अपना 50 मीटर और ये है 120 मीटर। अब हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि कर्ण का मान ज्ञात करना है, ये है संपूर्ण त्रिभुज और संपूर्ण त्रिभुज के जो वैल्यू है उसको वैल्यू का मान ज्ञात करने के लिए हमको जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका उस सूत्र को जो है कि सूत्र की जरूरत पड़ती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उसका सूत्र का जो है कि सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों 50 का वर्ग होगा 2500, ये तो मैंने सॉल्व करा दिया, और 120 का वर्ग होगा 1000 14400, और इनको जब ऐड करेंगे तो होगा 169900 16900, और 130 का वर्ग होता है 16900। ये चीज़ आप चेक भी कर लो, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, यहाँ पे 00 तो 00, तो यानी कि 16900 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16900 किसका स्क्वायर है, 130 का, है ना, और हमको स्क्वायर में इसका मान ज्ञात करना होता है कर्ण का। तो देखिए 16900 है, तो ये जो 130 का वर्ग है, तो यहाँ पे जो कर्ण है मतलब कि ए से बी की दूरी वो है 150 मीटर, सॉरी 130 मीटर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को
इजीली तरीके से सॉल्व करना रहता है। ठीक है, ध्यान से देखो, एक बार और समझा देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, मीना नाम की एक लड़की है, वो ए बिंदु से चलना प्रारंभ की उत्तर दिशा की ओर, तो उत्तर दिशा की ओर चल रही है और वो उत्तर दिशा में 50 मीटर तक चलने के बाद दाहिनी ओर मुड़ जाती है, यानी कि उत्तर दिशा का दाहिनी ओर है पूर्व वाला, ये वाला, तो इस डायरेक्शन पे वो चलती है 120 मीटर चली है ना, और 120 मीटर चलकर वो बी बिंदु पे पहुंच गई। और हमको ए से बी जो बिंदु है यहाँ तक का हमको दूरी बताना है और दिशा, तो सबसे पहले बात दिशा को देखो, तो उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सा दिशा होता है, उत्तर पूर्व है ना, तो उत्तर पूर्व इसका दिशा हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों के बीच में आ रहा है ना, देखिए कौन सी दिशा में आया, उत्तर पूर्व में। ठीक है, अब उसके बाद हम अपने संख्यात्मक मान में आते हैं, तो जो मतलब कि इसको अब ये है, अब ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, डायग्राम को जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गए समकोण त्रिभुज। और सम त्रिभुज के वैल्यू मान ज्ञात करने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है, कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको हमको यूज करना रहता है। ठीक है, तो ये चीज हम अभी यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको आधार का मान दिया है और लंब का मान दिया है, तो इन दोनों के मान को स्क्वायर करके इनका जोड़ देंगे, मतलब स्क्वायर को ऐड करने पर जो संख्या आएगी है ना, और उस संख्या क्या, वो संख्या जब आएगी तो वो संख्या किसका स्क्वायर है, ये चीज करने का मान कर, तो इसका स्क्वायर हुआ 25 और इसका स्क्वायर हुआ 14400, और जमीन को ऐड किए तो आया 16900, और 16900 जो है कि 36 का वर्ग है, ये चीज़ आप चेक भी कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब 130 मीटर ए से बी तक की दूरी हमको पता चल गया, 130 मीटर और बी से भी पता चल गया उत्तर पूर्व, 130 देखिए कौन सी ऑप्शन में, 130 मीटर उत्तर पूर्व ऑप्शन में, फिलअप कीजिए आगे बढ़िए। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं और इसी तरीके के नए क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल फ्रॉम जेपी यादव के साथ बने रहना, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को एनएमसी की तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।